मेरठ के खरखोदा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महज 50 रुपए के लिए शुरू हुई कहासुनी में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि महज 50 रुपए के लेनदेन को लेकर एक ही मोहल्ले में रहने वाले बच्चों के बीच विवाद हो गया था, लेकिन देखते ही देखते विवाद बड़ों के बीच पहुंच गया। इस दौरान राशिद और कल्लू पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पता चला कि इस मारपीट में चाकूबाजी और फायरिंग भी हुई। आरोप है कि इसी दौरान कल्लू ने राशिद की बेरहमी से हत्या कर दी और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में एसपी का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना खरखोदा के ग्राम हाजीपुर में दो पक्ष, एक कल्लू का पक्ष है, कल्लू पुत्र अलाउद्दीन, दूसरा पक्ष है राशिद पुत्र गुलजार। इसमें राशिद की हत्या जो है कल्लू के द्वारा की गई है। इनमें पथराव बिल्कुल नहीं हुआ है, ये भ्रामक सूचना है। इसमें दोनों के बच्चों के बीच में लगभग पैसों के लेन देन को लेकर 50 रुपये की बात आ रही है। इसके कारण दोनों के बच्चों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी, जिसके कारण दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई, जिसमें जो ये राशिद है इसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम हेतु शव को भिजवा दिया गया है, अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें कोई रंजिश का मामला तो नहीं है या फिर गोली मारकर? ये अभी प्रथम दृष्टया जो है क्लियर नहीं हो पा रहा, ये पोस्टमार्टम से ही पुष्टि हो पाएगी कि किस कारण से हत्या। सर, कोई रंजिश वाला मामला सामने? नहीं, रंजिश का इसमें नहीं आ रहा। जो अभी प्रथम दृष्टया बात निकल के आ रही है वो ये है कि दोनों पक्षों के बच्चों के बीच में मारपीट हुई थी। बच्चे लगभग 10-12 साल के हैं और बाकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में यदि कोई और बात आएगी तो आपको 50 रुपए के विवाद में है। अभी जो बात आ रही है, अभी जो बात पता चली है उसमें। फिलहाल पुलिस ने गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।